माता सावित्री बाई फुले जी के जीवन के ऊपर सभी ने रोशनी डाली, लेकिन जो उनका असली मुद्दा था शिक्षा, मैं सिर्फ चंद लाइनों में उसके विषय में बताना चाहता हूँ। आज हालत क्या है देश में, करीब करीब 10.5 लाख से ज़्यादा अध्यापकों की कमी इस देश में है। दिल्ली में ही 100 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए, कहते हैं इसमें बच्चे नहीं आते। आप शिक्षा शिक्षा चला रहे हैं, शिक्षा दीजिए बच्चों को। आज उन्होंने बड़े बड़े उद्योग खड़े कर लिए हैं जो शिक्षा देते हैं, जहाँ हम ना उनकी फीस दे पाते हैं, फीस दे पाते हैं तो 2-4 साल पढ़ाए भाई उनको, उसके बाद वापस उनको सरकारी में ले आते हैं। बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा दे दिया कि आपके बच्चे जाएंगे तो उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता, उनको दलिया कम मिलेगा इसके ऊपर ध्यान होता है। अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार दिया है उसका बजट देखिए आप, उसको सारे के सारे एनजीओ खाते हैं, सरकार उसमें से 50% भी खर्च नहीं करती है, और एनजीओ चलाने वाले लोग 99% लोग वे सारे मनुवादी लोग हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, वो सारे पैसे को हड़प कर जाते हैं। तो आज जो शिक्षा की जो महत्व है, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया और तमाम साथियों ने जिक्र किया शिक्षा का, ये सच्चाई है। जब तक आप लोग इस प्लानिंग को आज करो कल करो, आपको अपने एजुकेशन के केंद्र खोलने ही पड़ेंगे, चलाने ही पड़ेंगे, उसके लिए आप तैयार हो जाओ। क्योंकि आरएसएस का गठन हुआ था 1925 में, अब जो 2025 आ रहा है इसमें आप लोगों को वो उसी श्रेणी में लेके आना चाहते हैं जिस श्रेणी में आज से आप 100 साल पहले थे। उनके 100 साल पूरे हो रहे, 100 साल के तक के बाद आरएसएस की प्लानिंग है, इसको कान में धर लो बार बार। जो मोदी बोल रहा है ना 2025, उसका रीजन यही है कि आरएसएस जब 100 साल मनाएगा, जैसे आज कल आपने कोरेगांव में 200 साल की जो शताब्दी वर्ष मनाया है जब उन्होंने आफत की है ये, तो जब उनके 100 साल पूरे होंगे वो क्या करना चाहते हैं, इस प्लानिंग को समझो बैठ करके। विनोद जी ने आपको इशारा किया है, आप जब 10 आदमी बैठ करके विचार करेंगे, प्लानिंग करेंगे, आगे आप भविष्य में क्या कर सकते हो, कैसे इसको बचाया जा सकता है, कैसे इस मूवमेंट को आप आगे चला सकते हैं। सिर्फ हमारे बीच में आज तक जितने भी मैंने तो जहाँ तक देखा, मैं महाराष्ट्र तक भी घूमा लोगों में, हमारे जितने भी अगवा हो रहे हैं आज तक, चंद लोगों को छोड़ करके, वहाँ बीमारी उनकी फैलती है कि हम उनसे सवाल नहीं करते, और सवाल नहीं करते हैं तो वो निरंकुश हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं तो वे फिर आपके काम के नहीं होते। जब भैंसा अपनी मर्जी से चलता है तो वो फसल को तबाह करता है, आपके उसमें जोतता नहीं हो। तो भैंसे को बेलगाम मत छोड़ो। आपका नेता है जिससे नेता को मानते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी की बहन जी में आस्था बनाए रखा मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी की किसी और में उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आप उसको अंकुश नहीं रखोगे, उससे सवाल नहीं करोगे कि आपने ये निर्णय क्यों लिया, तब तक वे निरंकुश होंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे और आप लोगों का हमारा कोई भला नहीं करेंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।